अभी रुक जाओ, बस ये कपड़े डालिया हूँ, ऊपर से कपड़े उतार ला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपकी अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, और आज कपड़े नहीं है ज़्यादा क्योंकि आज मैंने धोए नहीं थे। और देखो हमारा झूमर भी जल रहा है, दिखाती हूँ। देखो देखिए ये छत पे लग रहा है झूमर, ये भी चालू हुआ है। और आज हमारी बैटरी भी ख़राब हुई पड़ी है इन्वेटर की, इसमें से पानी टपक रहा है, इन्वेटर ख़राब हुआ पड़ा है। पता नहीं क्या हो रहा है, एक चीज़ सही करवाते हैं एक चीज़ ख़राब हो जाती है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो चलिए पहले गेट खोल लेते। तो आ गई मैं छत पे और धूप बहुत अच्छी निकली है और चारों तरफ को कपड़े कपड़े फैल रहे हैं मेरे, और हवा भी बहुत तेज़ है। तो इन्हें कपड़ों को उतारूंगी और दूसरे कपड़े डालूंगी, और मेरे पेड़ पौधों का हाल भगवान भरोसे चल रहे हैं। दिखाऊं और ये रही तुलसा जी, ये मोर पंखी, इसका नाम पता नहीं क्या है लेकिन इस पे ये ऐसे ऐसे दो दो तीन तीन तरह के आते रहते हैं। और ये वाला, ये तो कई बार सबको मैंने दिखाया भी है। और मेरे एलोवेरा पे ये फूल आने लग गया है, तो इसके बारे में बताना मुझे, किसी को पता हो कि इसका क्या मतलब होता है फूल आने का। और नींबू का पेड़ भी लग रहा है यहाँ पे, पर नींबू के पेड़ पे फूल आया था, पता नहीं कैसे सूख गए। ये रहा नींबू का, इस पे ये फूल आए थे पर सूख गए। एक तो इनकी केयर नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। और आज छोटू सा फूल भी निकला है, एक छोटू सा, और ये भी छोटे छोटे से फूल निकले हैं। और कल मैं खाद भी गेर के गई थी इनमें, ये रही खाद गेर के गई थी, उसकी केले के छिलके वगैरह जो थे सब डाल के गई थी इनमें, सब मैं थोड़ा थोड़ा डाल के गई थी। और मेरा मनी प्लांट, और मनी प्लांट उधर भी लग रहा है, ये रहा ये लग रहा। तो ये गिलहरी आ जाती है ना, इस वजह से इन्हें बचाती हूँ। और मेरी अपराजिता पे देखो कितनी सारी बेल लटक रही हैं, देखो ये फलियाँ 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 हो रही हैं बहुत सारी, और इधर भी सदाबहार है। तो बस ऐसे ही चल रहे हैं अभी भगवान भरोसे। देखिए कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं मेरे छत पे। ये सब मेरे ही कपड़े हैं। और देखिए ये है छत का नज़ारा, तो छत से हमारे घर का आसपास का सारा व्यू देख लीजिए आप लोग। और हमारी ये सामने जो बिल्डिंग है ये सारी नोएडा की हैं, तो छत से तो हमारा पूरे नोएडा की बिल्डिंगें सारी दिखाई देती हैं। तो नोएडा हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, और बाज़ार में ही मेन मार्केट में ही घर है हमारा, तो ये सारे मकान बने हुए हैं मार्केट के अंदर ही। और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये छत का व्यू, और यहाँ से बहुत अच्छा लगता है देखने में चारों तरफ को। ये तो मेरे घर का बैक साइड का एरिया है, बाकी फ्रंट साइड का एरिया भी बाकी है दिखाने के लिए, तो वो तो आप लोग देखते ही रहते हैं। तो ये मेरे घर के पीछे का एरिया है, और ये पूरी मेन मार्केट है, और यहीं पे सब सामान मिल जाता है, जो तुम्हें चाहिए वो ए टू जेड मिलता है यहाँ पे। तो बस वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे कुछ ये मकान बने हुए हैं, और इधर ये गली शुरू हो जाती है, तो बस यही सब आपको दिखा रही हूँ। और ये सारा ना एरिया जो आता है ये NCR में आता है हमारा,
तो अब हो गई है शाम, और शाम को मैंने मिस्त्रियों को चाय वगैरह दे दी है। उसको देने के बाद में उन लोगों ने चाय पी ली है, और मैं आ गई सब्जी छोंकने के लिए। और मैंने यहाँ पे गाजर आलू मटर की सब्जी छोंक दी है, और यहाँ पे मैंने शेक बनाया है, बनाना शेक यीशु के लिए। और अब बनाऊंगी वो जो ब्रेड होती है उस पर बटर वगैरह लगा के यीशु के लिए बनाऊंगी, क्योंकि शाम के वक्त बच्चों को छोटी सी भूख लगी आती है, तो इसीलिए मैं उसे शाम को ये बनाना शेक और ये एक पीनट बटर लगा के ब्रेड पे दे दूँगी, तो वो खा लेगा, तो उसका थोड़ा सा नाश्ता सा हो जाएगा। और अभी शानू है नहीं और साहब भी नहीं है घर पे, वो भी गए हुए हैं, तो बस यशु और मैं ही रह गए हैं, तो उसी की तैयारी कर दे रही हूँ खाने की। और बाकी मैं तो अपने लिए सब्जी वगैरह बना ही रही हूँ जो रात को खाना खाना है उसके लिए, और फिर इसके बाद में इसको देने के बाद में फिर मुझे अभी दिया वगैरह भी लगाना है, क्योंकि आज दिन है शनिवार का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा व्लॉग कैसा लगता है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा व्लॉग 1% जिसे कहते हैं ना, छोटू सा बिल्कुल 1% जिसे कहते हैं, उतना भी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए आज 1% पसंद आएगा तो कल 2% पसंद आएगा। तो आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो मेरा तो यही मनोबल टूट जाएगा। आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो, अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं आगे तक बढ़ पाऊँगी, क्योंकि दिनों दिन देख रही हूँ सब्सक्राइबर भी कम होते चले जा रहे हैं और मेरा वीडियो भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो देखिए, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, कहाँ जाऊँगी दिखाने के लिए, मैं सड़कों पर जा नहीं सकती कि ये सड़कें दिखाऊँ, या मैं कहीं मॉलों में जा नहीं सकती कि मैं मॉल दिखाऊं आप लोगों को, या मैं मार्केट में नहीं जा सकती कि हाँ मैं आपको मार्केट के दर्शन रोज कराती रहूं, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जितना कर सकती हूं वो घर के अंदर ही कर सकती हूं, और घर के सारा ही चीज़ मैं दिखाती हूँ आपके साथ में। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं पूरा अपना 100% दे रही हूँ, तो आप भी अपना 100% दीजिए मुझे, ऐसा मत कीजिए कि आप लोग बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। और आप लोग कहते हैं साड़ी ब्लॉग बनाइए, तो ये बताइए इतनी ठंड में साड़ी पहनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो कैसे मैं साड़ी पहन लूँ, इतनी ठंड हो रही है कि दो कपड़े पहन लो तीन कपड़े पहन लो उसमें भी कम कवर नहीं कर पा रहे हैं ठंड को। तो आप बताइए साड़ी व्लॉग कैसे पहन बना सकती हूँ, साड़ी में तो पेट भी दिखता है, पीठ भी दिखती है, हाथ पैर भी खुले रहते हैं, तो बताइए हवा नहीं लगेगी, फिर मैं दो दिन पीछे बीमार पड़ जाऊँगी, उसमें क्या मज़ेदारी रहेगी। तो इसीलिए थोड़े से दिन का वेट कीजिए। आप लोग ये तो समझ सकते हैं कि ठंड में तो आप लोगों को वो लगती है तो हम लोगों को भी लगती होगी, तो बस यही चीज़ का वेट कीजिए, मौसम थोड़ा सही हो जाए तो साड़ी व्लॉग भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, सूट पहनना मेरी मजबूरी इस टाइम पर ये है क्योंकि ठंड लगती है, बाकी पहनना तो मुझे भी साड़ी अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा आप लोग भी धैर्य रखिए, और मैं भी कर रही हूँ अपना 100% तो मैं दे रही हूँ। तो देखिए, आप लोग अगर मेरा साथ इसी तरह से देंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे कुछ नहीं है, यहीं की यहीं अपना यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ जाएगा। तो अगर आप जैसा भी चाहें वैसा कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल फिर बंद कर दूं या आगे तक चलाऊं, अगर आगे तक चलाऊं तो किस उस पर चलाऊं, ये भी मुझे बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें, वॉच टाइम बढ़ सके, ताकि मैं आगे भी व्लॉग बना सकूं। और ये देखिए धनिया आ गया है इसमें डलने के लिए, तो शानू अभी आया था तो धनिया लेकर आया है और मेथी ले कर आया है, और धनिया में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मुझे रायता भी बनाना है, आटा मैंने लगा के रख लिया है, क्योंकि जो जो टाइम मुझे मिलता रहता है मैं उतना उतना काम करती रहती हूँ, और ये बात मैंने आपको अब तक जाने कितनी बार बताई होगी, क्योंकि एक औरत के ऊपर जब पूरा घर का काम आ जाए और बाहर का काम आ जाए तो वो जैसा भी समय निकाल सकती है वैसा समय निकालती है और काम भी करती है। तो ये देखिए, मेरे पे यूट्यूब का भी काम है, मेरे पे वीडियो बनाने का भी काम है, मैं मिस्त्रियों को भी देख रही हूँ, घर भी अपना देख रही हूँ, मैं अपना पूरा 100% हर तरीके से देने की उसमें रहती हूँ कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। ये देखिए, व्लॉग भी मैं कंटिन्यू आपको दे बना के भेज दे रही हूँ, तो थोड़ा सा तो मेरे ऊपर रहम खाइए इस चीज़ का कि हाँ, अगर आज वीडियो अच्छे नहीं आ रहे तो क्या हो गया, कल को वीडियो अच्छे भी आएंगे। अभी थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, किसके घर में थोड़ी सी परेशानी नहीं आती है, सबके घर में आती है। तो ये थोड़ी ना है कि फैमिली वाले उसका सपोर्ट ही छोड़ देते हैं, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, तो ये मुझे
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फैमिली बढ़ती अच्छी लगती है, घटती अच्छी नहीं लगती है। और आप लोग तो मेरी YouTube फैमिली हो, तो जितनी बढ़ेगी उतनी मुझे अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग 1% भी आपको अच्छा लगता है, ये बात मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि 1% भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ यूट्यूब चैनल पे। ये नहीं है कि हाँ मैं ऐसे ही आ गई हूँ या यूट्यूब से मुझे जो कमाई मिलेगी मैं उसी से ही रोटी खा पाऊँगी या उसी से मेरा पेट भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छे घर की बेटी हूँ, अच्छे घर की बहू हूँ। बस मेरा एक सपना है कि हाँ मैं कुछ कर सकूँ, मैं कुछ कर बन सकूँ, इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मुझे प्लीज़ 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 आपसे हेल्प मांग रही हूँ इस चीज़ की कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले टॉपिक में अगले ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और जो भी आपका डिसीज़न हो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर मुझे लिख के।